दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को दे दिया है टेंशन। चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर लोकसभा सीट से मेरी मां चुनाव लड़ेगी। खगड़िया शहर के कोसी कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि पिता के निधन के बाद मेरे अपनों ने सहारा देने के बजाय दर्द देने का काम किया है। हाजीपुर सीट मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह हाजीपुर की जनता का मेरे पिता ने ख्याल रखा था, उनका पुत्र होने के नाते मेरा फर्ज है कि वहां की जनता का ख्याल रखें। लिहाजा इस सीट पर या तो मैं लड़ूंगा या फिर मेरी मां लड़ेगी। बड़ी खबर, नीतीश कुमार फिर से उन्हीं को सत्ता सौंपना चाहते हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये बातें राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कही। सुपौल में सदर बाजार के सर्किट हाउस में उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि नीतीश कुमार को बिहार से कोई मोह माया नहीं रहा। वह सिर्फ माहौल बनाने के लिए तरह तरह के कार्य करते रहते हैं। सबको मालूम है कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी और नीतीश कुमार उन्हीं से समझौता करके फिर उन्हीं के हाथ में सत्ता सौंपना चाहते हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। बड़ी खबर, राज्य में महिलाओं और बच्ची के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भोजपुर जिले का है, जहां पर एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की मां ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। हैरानी की बात है कि वारदात को अंजाम देने वाला खुद भी नाबालिग है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि बच्ची अपने भाई के साथ छत पर सो रही थी, तभी किशोर छत पर चढ़ गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी ने जब चीख पुकार मचाई तो वह मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा कि आरोपी नाबालिग का घर भी पीड़िता के घर के बगल में मौजूद है और वह छत से कूदकर दाखिल हुआ था। बड़ी खबर, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह तेज है। बिहार में कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। कटिहार में कांग्रेस की ओर से अनुमंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यशाला के दौरान कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सीधा मोदी सरकार पर हमला किया और राहुल गांधी के कमबैक पर बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि इससे सीएम नीतीश कुमार कहीं से कमजोर नहीं होंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। उनके खिलाफ बीजेपी और पीएम मोदी का एक षड्यंत्र था कि राहुल गांधी को देश की राजनीति से दरकिनार कर दिया जाए। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बयान जारी कर कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे, नियमित शिक्षकों के समान वेतन और सेवा शर्तें लागू करते हुए सीधा समायोजन करे। बीजेपी नेता ने स्पष्ट कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांग जायज है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद विभिन्न दलों के नेताओं के बयान से यही लग रहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ फिर से छलावा करने जा रही है। इस बैठक में शिक्षक संघ के नेताओं को भी आमंत्रित नहीं किया गया। यदि सरकार गंभीर है तो इन्हें सीधा समायोजित किया जाए और नियमित शिक्षकों के समान वेतन और सेवा शर्तों को लागू किया जाए। बड़ी खबर, नवादा में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने गरीब जनसभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक ने नवादा में कहा कि गरीब तो बदनाम है, बिहार में शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जेल भेजा जा रहा, और लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में नेता मंत्री और अधिकारी रात 10 बजे के बाद घर में लाखों रुपए की महंगी शराब रोज पीते हैं। बड़ी खबर, प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड में रिमांड पर लिए गए मंटू शर्मा और गोविंद से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे। दोनों ने पुलिस कर्मियों से जुड़ाव की बात स्वीकार की है। रिमांड पर लिए गए मंटू गोविंद सेरू और बिक्कू को अय्यापुर थाने में रखकर पूछताछ की गई। जेल से पुलिस चारों को सीधे हाजीपुर रोड ले गई है, लेकिन रास्ते से पुनः देर रात अय्यापुर थाने ले गई, जहां पर सीआईडी की टीम ने पूछताछ की। पूछताछ में गोविंद और मंटू ने स्वीकार किया है कि उसके संपर्क में कई पुलिसकर्मी रहे। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के समय 4 पुलिसकर्मियों ने गोविंद को बताया था कि उसकी सेटिंग कर दी गई है, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। गोविंद का कहना है कि चारों पुलिसकर्मियों का जिले से स्थानांतरण हो चुका है। बड़ी खबर, आरके सिंह के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार, कहा कि अपने नेताओं को टैक्स देती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि चुनाव से पहले हुआ जेल जाएंगे, जिसको लेकर अब आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि वो कोर्ट है क्या जो उनको पहले से ही पता है कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय अपने विरोधियों को जेल भेजने के ताक में लगी रहती है, क्योंकि अगर वह बाहर रहेंगे तो सरकार में रहेंगे, इसलिए वह इस तरीके की हथकंडे अपनाती है। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, कानून का राज स्थापित है, कानून को भी पता है कि कौन दोषी है। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव जब जब आता है केंद्र सरकार नए नए जुमलाबाजी करती है। राजद ने कहा कि अब जब उनके जाने का समय आ गया है तो रेलवे को
पुनर्निर्माण का शिलान्यास कर रहे। जनता को सब पता है जो वादे किए थे, पहले वो वादे पूरा करें फिर कुछ शिलान्यास करें, क्योंकि समय अब उनके पास बचा नहीं है। बड़ी खबर, रेप केस में सजा काट रहे राजबल्लभ यादव को मिली पेरोल, 15 दिनों के लिए जेल से आया बाहर, 21 अगस्त को जाएगा वापस। राजबल्लभ यादव राजद का पूर्व विधायक है। राजबल्लभ यादव को लालू यादव का काफी करीबी माना जाता है। जेल प्रशासन ने आवेदन दिया था कि उसकी मां की तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी जाए, इसके बाद उसे छोड़ा गया है। बेउर जेल प्रशासन की माने तो राजबल्लभ यादव 21 अगस्त को वापस जेल आएगा। वो लंबे समय तक राजबल्लभ यादव जेल में बंद रहा है। अदालत के द्वारा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 2016 में राजबल्लभ यादव पर 15 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने चाचा से बदला लेने का बनाया मन, हाजीपुर से मां को लड़वाएंगे चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की चाहत है कि बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़े। राजनीतिक गलियारों में चिराग की इस टिप्पणी को महज चाहत नहीं बल्कि सोचे समझे दाव के तौर पर देखा जा रहा, जहां पर वो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को चुनौती देने का नया पैतरा चल रहे, साथ ही अपने पिता की हाजीपुर क्षेत्र पर अपना उत्तराधिकार साबित करने का प्रयास कर रहे। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान के गढ़ के रूप में पहचानी जाती थी और अब ये सीट पासवान परिवार के लिए रण बनती जा रही है। इस सीट से मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बीपीएससी ने भर्ती परीक्षा की तारीख की जारी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तारीख जारी कर दी है। 170,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। बीपीएससी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 24 से 26 अगस्त के बीच ये परीक्षा होगी। दो पालियों में परीक्षा होगी और पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे होगी। बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया गठबंधन को घमंडी लोगों का घमंडिया गठबंधन बताया। चिराग पासवान ने कहा कि इस गठबंधन के लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए देश और प्रदेश को सूली पर चढ़ा चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा कि उस गठबंधन में सभी दल एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है। जमुई सांसद ने बताया कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नीतीश कुमार को झटका लगा होगा, क्योंकि जैसा कि दोनों की मुलाकात की तस्वीरों में दिखा, वो दबे मन से मुलाकात कर रहे। चिराग पासवान ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस खुद को आगे बढ़ाएगी तब विपक्षी दलों के तमाम घटक दलों में बेचैनियां बढ़ेगी। बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में एक अदद सियासी ठिकाने की तलाश कर रहे मुकेश सैनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। 100 दिन की यात्रा बिहार, यूपी और झारखंड में निषादों को साथ साधने के लिए है। चिराग पासवान मतदाताओं खासकर निषाद मतदाताओं को गंगा जल की कसम खिला रहे। बिहार की राजनीति या शायद देश की राजनीति में यह पहला प्रयोग होगा जब एक नेता मतदाताओं को गंगा जल की कसम दिला रहे कि वह उनके साथ रहेंगे। नीतीश सरकार शिक्षकों को सावन में देगी बड़ी सौगात, नियोजित शिक्षकों से बनेंगे राज्यकर्मी। सावन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा देंगे। बिहार सरकार ने राज्य में नियोजित शिक्षकों की कई मांगों को मान लिया है। सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण एवं सेवा शर्त रूल बुक 2023 में संशोधन करेगी। लंबे अरसे से बिना शर्त राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहे 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी जल्द बनाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के मामले पर गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की थी। इसमें शामिल नेता ने कहा कि बिना किसी स्क्रीनिंग के सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना संभव नहीं है। वहीं वाम दलों के नेताओं ने कहा कि सभी कार्यरत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने में कोई बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विचार करने की बात कही है। बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी है, जिन्हें लगभग 5 महीने बाद वापस बिहार की धरती पर आने का मौका मिला। हालांकि अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस की सुरक्षा में बेतिया कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। इससे पहले पिछली 4 तारीख को तमिलनाडु पुलिस उन्हें पेशी के लिए बिहार लेकर नहीं आई थी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इससे पहले बेतिया स्टेशन पहुंचते ही मनीष कश्यप को देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ लग गई, जिसको जहां से जगह मिल रहा था वह वहीं से पुलिस सुरक्षा घेरे में घिरे मनीष कश्यप की तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे। वहीं मनीष कश्यप सफेद टी शर्ट और सिर पर टोपी पहने नजर आए, साथ ही उन्होंने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोफाइल तैयार करवा रहा। ऐप या पोर्टल पर तैयार की जा रही प्रोफाइल में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, ट्रेनिंग, सेवा पुस्तिका, प्रमोशन, आधार कार्ड और ट्रांसफर आदि की जानकारियां अपडेट करनी है। आने वाले समय में शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर आदि के लिए अलग से ना ही आवेदन करने की आवश्यकता होगी और ना ही नियोजन इकाई से इसकी जानकारी तलब की जाएगी। केवल एक क्लिक पर विभाग को पता चल जाएगा कि किस शिक्षक का कब तबादला हुआ है।
तबादले की ड्यूटी टाइम लाइन क्या है, जिसको प्रमोशन दिया जाना है, यही बात वेतन वृद्धि आदि पर लागू होगी। हालांकि शिक्षकों की प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी का उपयोग कैसे किया जाना है, इस संदर्भ में सरकार को औपचारिक तौर पर निर्णय लेना बाकी है। बड़ी खबर आशुतोष शाही हत्याकांड का साइड इफेक्ट, एक साथ 20 पुलिस अधिकारियों के बाद अब टाउन डीएसपी एवं डीएसपी पूर्वी का भी तबादला। आशुतोष शाही हत्याकांड को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने शहर के सभी थानेदार समेत 20 पुलिस अधिकारियों को मुजफ्फरपुर से हटाने के बाद अब डीएसपी पर एक्शन लिया है। टाउन डीएसपी राघव दयाल और पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार पांडे का तबादला कर दिया गया है। दोनों डीएसपी को बीएमपी भेजा गया है। आईपीएस अवधेश दीक्षित को मुजफ्फरपुर एसएसपी की कमान दी गई है। इन तबादले को आशुतोष शाही एवं उनके 3 अंगरक्षकों के हत्याकांड के साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इस कांड को पुलिस हेडक्वार्टर ने काफी गंभीरता से लिया है।